mais jovens e o da Chile esse preço foi um preço esse jovem que é mais jovem पहली बात तो चिंताजनक स्थिति है. आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने हो रहा है, देखने को आ रहा है कि हमारे अपने घर की पुलिस जो है वही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है. हमारी होम सिक्योरिटी का है कि घर की पुलिस का है वो सिक्योरिटी को नहीं महसूस कर रही. वही दूसरी तरफ जो चित्कार आप देख रहे हैं, जो दर्द देख रहे हैं वकीलों का, उसके दोनों के पीछे एक गहन जांच तो खैर होनी ही चाहिए, समाधान तो होना ही चाहिए. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इन सेंस गवर्नमेंट की बारी है. हमारे ये माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में उनको सामने आना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को सामने आके सिर्फ समाधान ही नहीं बल्कि तुरंत बयान भी जारी करना चाहिए सच्चाई के आधार पर, ताकि हम सब उससे ये ना सिर्फ लाभान्वित हों कि हमारी चिंता पे थोड़ी चिंता कम हो और इसका आगे ऐसा हो कि क्या इसके मामले में डिटरन कर सकते हैं. यही मैं समझता हूँ देश का भी स्टैंड है और ये हमारे कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. शर्मिष्ठा जी का, विशेषकर हमारे सुभाष चोपड़ा जी का आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने मुझे बुलाया. सुभाष चोपड़ा जी का पहला साक्षात्कार है प्रेस के साथ प्रेसिडेंट बनने के बाद दिल्ली गए और मेरा भी पहली बार आगमन हुआ है यहाँ पे, यानी मैं भी इस मामले में पहली बार पदार्पण कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कांग्रेस के दफ्तर में. और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी भाग्यशाली मानता हूँ. अभी जो सुभाष चोपड़ा जी ने बात कही है, हालांकि हम लोग मुख्यतः बैठे थे आरसीईपी पे उसका जिक्र करने, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में. बहरहाल आपने सुना कि जितनी जोर शोर से उसके खिलाफ आवाज उठी और जिस तरह से हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जितने बुलंद तरीके से बोल्डली एंड ब्यूटीफुली पेश किया, उसके उससे क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है चाइनीज गुड्स का और बाकी विदेशी सामानों का, एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा हमारे मिडिल क्लास या हमारे फैमिलीज के अलावा, हमारे फार्मर्स पे क्या गुजरेगी, हमारे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पे क्या गुजरेगी, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज पे क्या, उसका सारा जो बयान किया तो लोगों के होश उड़े. उसका साथ दिया उनका इस मामले में आप लोगों के साथ साथ राजीव गांधी, राहुल गांधी जी ने भी, प्रियंका जी ने भी और तमाम लोगों ने. मैंने भी परसों ट्वीट किया था इसी मुद्दे पे, ये करके आज खुशी है कि जिस मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय गए थे वहाँ पे और उन्होंने पहली बार जो होता नहीं है चंद रोज में चंद दबाव के बावजूद की वजह से मिड एयर फेयर चेंज किया. मिड एयर फेयर कभी चेंज नहीं होता. वहां बैठ गए थे, कल तक ये बयान आ रहा था कि हम इसको डिफर कर रहे हैं और आज ये बयान आता है कि हमने इसको बंद कर दिया. ये मिड एयर फेयर चेंज हुआ है, ये कभी शायद ही होता जो आज आपने उसका एग्जाम्पल देखा. हवाई जहाज के उड़ान के बीच में नहीं कह सकते हैं कि आपका दाम ज्यादा हो गया, कम हो गया, पेट्रोल ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ हुआ. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का दबाव रहा, हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या के बयान और उनकी वाणी के परिणाम स्वरूप ये बंद हुआ, ये रोक दिया गया. और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर हित में हुआ तो राष्ट्र हित में हुआ, हमारे किसानों के हित में हुआ, हमारे गरीबों के हित में हुआ, हमारे दुकानदारों, छोटे छोटे ट्रेड करने वाले उनके हित में हुआ, तो नेशनल इंटरेस्ट हुआ, ये अच्छी बात और बहुत ही इसका हम स्वागत करते हैं. इसके पहले हमने अगर देखा होगा तो ये गाथा जो चल रही है ये शुरुआत हुई थी नोटबंदी के जमाने से और नोटबंदी जो हुआ उस पे आपने एक चीज देखी होगी कि सबसे पहले चंद लोगों ने जो सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी नोटबंदी के खिलाफ
उसमें एक नाम मेरा भी आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर अगर कीमत चुकानी पड़ी तो उसका हमें कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी ही है, क्योंकि मेरा सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, लोगों के प्रति है। और हमारा ये भी मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो देश हित में अगर हमने जो काम किया और उसके लिए अगर उन्हें नहीं समझा उसका भी, तो स्वागत है उनका। लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब नारा देखता हूं तो लगता है कि नोटबंदी की शुरुआत की, बेरोजगारी तो बढ़ी गई, फैक्ट्री तो बंद हुए ही हुए, एक से एक त्राहिमाम स्थिति में लोग पहुंच गए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुई, सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा तो हमारे घर की माँ बहनों को, जिन्होंने अपने बेटियों के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए छुपा छुपा के अच्छी नीयत से ही, मगर सही काम कर रही थी, अच्छी नीयत से पति को बगैर बताए हुए, पुत्र को बगैर बताए हुए, तकिया के नीचे आलमीरे के पीछे जो पैसा रखा था उन्होंने, सब जोड़ लें तो शायद करोड़ों अरबों में आ जाएंगे। और सारे पैसे अचानक एक तुगलकी फरमान के बाद हवा हवाई हो गए, आज तक उससे हम निकल नहीं पाए। आ उसके बाद जो रही सही कसर रही बेटी पढ़ाओ के लिए, बेटी बचाओ के लिए जो पैसे जमा थे वो भी कहाँ हवा हवाई हो गए। उसके बाद भी निपट नहीं पाए थे कि नींद पे करेला हो गया, फ्लॉट कहे, कॉम्प्लिकेटेड कहे, GST हो गया। एक से बड़े अर्थशास्त्री जी सुभाष जी ने कहा, हमारे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और बड़े बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री मना कर रहे थे, कह रहे थे इससे बहुत GDP भी घाटा होगा, बुरा होगा, कोई राय मशवरा करने वाली बात नहीं, कुछ ने सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पार्लियामेंट के अंदर में वो लीगलाइज ब्लंडर और क्या वो प्लंडर, उसका जो बहुत मशहूर उनका बयान था वो आया वहां पे, वो उसके अंदर के दर्द को समझना चाहिए था। और राष्ट्रहित में बयान था कि सत्ता का मतलब है सरकार, सत्ता का मतलब सत्ता सेवा का माध्यम है, मेवा का माध्यम नहीं है। इसे मेवा दिखाई पड़ रही सत्ता के लोगों को वो सही नहीं है। लेकिन वो हुआ, होते होते अभी कगार पे आके आपने देखा होगा GST के बारे में, इनके बारे में डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी जो अभी अभी नोबेल प्राइज मिला, जिनको प्रधानमंत्री जी ने मुबारकबाद तो दी लेकिन बड़ी देर से दी, बहुत देर बाद दी, उन्होंने भी कहा, अच्छे अच्छे लोगों ने कहा कि कान पे छू नहीं रहेंगे। और आगे बढ़ते गए कि आज हिंदुस्तान में 45 सालों में, आपको तो ज्यादा पता है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रूस पे है, रूस पे तो आज है किस सरकार के अधीन है। और कोई सवाल करो तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया और फलाने ने ये किया और आपके टाइम UPA में क्यों हुआ। अरे 6-7 साल से तो आप हैं अभी और बहुत पुख्ता तरीके से हैं, भले उसके बुनियाद में EVM हो चाहे जो हो, लेकिन आप हैं तो बहुत पुख्ता तरीके से। तो आपने करेक्टिव मेजर्स क्या लिया, क्या किया आपने, सिवाय इसके कि जो इन लोगों के वक्त में, UPA के वक्त में जो प्रोजेक्ट्स आए थे उसका उद्घाटन किया, एक नया जामा पहना के किया कराया सब उनका, और जहां कोई शिकायत की बात आई तो अपने सारा दोषारोपण कर दिया उस पे। पास पे न जाइए, पास की भूत के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, ये बताइए। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे राह भरों से गिला नहीं, तेरी राह गुजर का सवाल है। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम का। अगर होता तो गजब, गजब नहीं होता बल्कि एकदम कहर उठा देते हमारे ऊपर। उसके लिए हम कांग्रेस के बहुत आभारी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुत आभारी हैं और आप तमाम मित्रों का, उसके बावजूद अंकुश और दबाव के बावजूद आप लोगों ने बातें उठाई, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज बस इतना ही कहना चाहूँगा और इसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल जवाब हो तो शर्मिष्ठा जी है, सुभाष जी हैं, बाकी लोग दोस्ती और प्रदूषण ये तो दो अलग इशू है। दोस्ती तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तौर पर, अभी प्रदूषण जो है वो पूरा देश या खासकर दिल्ली प्रदेश
पूरा सफर कर रहा है, इस पे सबकी चिंता स्वाभाविक है और मैं इस समय समझता हूँ कि इस पे बातें कम हो, समाधान लेकर लोग ज्यादा आए। जैसे आज कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पड़ा, अभी जवाबदेही फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो तो होता रहेगा। अभी शॉर्टकालिंग क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आज सुना है कि थोड़ा बेहतर है सिचुएशन, लेकिन सिर्फ ये बातें करने से या सिर्फ हॉट इवेंट से इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। थैंक यू सर। मैं इसका मैं